अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चने की दाल की मीठी खिचड़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। ये खिचड़ी मुहर्रम में बनाई जाती है। चले अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। आधा पाव हमारी दाल है, ये मैंने भिगो ली है। 15-20 मिनट तक मैंने इसको भिगो दिया है। अभी इसको हमने उबालना है। दाल आधा पाव चीनी है, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने घी ले लिया है, ये खिचड़ी घी से ही बनती है। 4-5 टेबल स्पून होंगे। 4 हमने सफेद इलायची ले लिए। ये मैंने थोड़ा सा नारियल काट लिया है। और ये थोड़ा सा मेरा हरे तवा नारियल है। ये बादाम है हरे तरी। ये भी 2 चमचे हमने किशमिश के ले लिए। ये मेरे 1 पाव चावल है, बनस्पति चावल है। ये मैंने 15-20 मिनट तक भिगो लिए हैं। दाल उबालने के लिए मैंने रख दी है 10 मिनट के लिए। चने की दाल हमारी गल चुकी है, मैंने इसका पानी निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पतीली में मैं घी डाल दूंगी। घी में मैं इलायची डाल दूंगी तोड़ के। अब मैं इसमें किशमिश डाल दूंगी। किशमिश डाल के इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी जब तक कि थोड़ी मोटी मोटी नहीं हो जाती किशमिश। ये हो चुकी है किशमिश। किशमिश हमारी जले ना, इसलिए मैं थोड़ा सा भी पानी डाल दूंगी। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसमें मैं ये चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अच्छे से हम इसको घोल लेंगे। चीनी को, चीनी हमारी डिजॉल्व हो जाएगी तो उसमें हम दाल डाल देंगे। 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगी। बस 1.5 गिलास पानी डल चुका है इसमें। अब मैं इसमें ये उबली हुई दाल डाल दूंगी। दाल मैंने डाल दी है, इसमें मैं अब चावल भी डाल दूंगी। चावलों को हमने धो लिया है। दोनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें नारियल डाल दूंगी मैं। ये बादाम डाल दूंगी थोड़े से। अभी मैं बड़े ये जो मैंने नारियल काटे थे वो डाल दूंगी। और थोड़े मैंने गार्निश के लिए रख दूंगी। पानी को 1 उबाल आने तक पका लेंगे। पानी खुश होने तक इसको हम पका लेंगे। पानी हमारा खुश हो चुका है और इसको अब हम दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसको ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी दम पे लगे हुए खिचड़ी को। खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। चने की दाल की खिचड़ी हमारी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट भी करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।